बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के ऊपर जमीन घोटाले का एक और गंभीर आरोप लगा है। जदयू नेता के आरोप के बाद बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। राजद सुप्रीमो के तीसरे बेटे की बात करके जदयू नेता नीरज कुमार ने हंगामा खड़ा कर दिया है। लालू के तीसरे बेटे के राज को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चुनाव से पहले कई राज खुलने वाले हैं। एक तरफ भाजपा जदयू अपना संगठन मजबूत कर रही है तो दूसरी ओर राजद के भ्रष्टाचार के नए नए राज खुल रहे हैं। जदयू नेता नीरज कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के ऊपर जमीन घोटाले का एक नया आरोप लगाया है। इस आरोप से राजद में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने लालू की तुलना ठग से करते हुए उनके बेटे तेजस्वी यादव को नटवर लाल बोल दिया। इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव के एक तीसरे बेटे की बात की जिसके नाम से जमीन खरीदी गई है। नीरज कुमार ने कहा, लालू प्रसाद यादव का एक और बेटा तरुण यादव है। लालू ने तेजस्वी और तेज प्रताप के अलावा तरुण यादव के नाम से भी जमीन खरीदी है। जमीन के दस्तावेज बताते हैं कि वह लालू यादव का बेटा है। तेजस्वी और तेज प्रताप की तरह उसका नाम भी हिंदी अक्षर त से शुरू होता है। आखिर कौन है तरुण यादव? क्या वह लालू प्रसाद यादव का दत्तक पुत्र है? लालू को इसके बारे में बताना चाहिए। लालू यादव ने परिवार तक के लोगों से अपने नाम पर जमीन लिखवा ली है। इसके बदले उन्हें रेलवे या अन्य विभागों में नौकरी के प्रलोभन दिए गए हैं। लालू प्रसाद के बड़े भाई मंगरू राय थे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र यानी लालू यादव के भतीजे ने तेज प्रताप के नाम से 8 कट्ठा 17 धूर जमीन की रजिस्ट्री की। यह रजिस्ट्री 4 नवंबर 2003 को हुई। उनके एवज में भतीजे को उन्होंने सरकारी नौकरी दी। जदयू नेता ने जब आरोप लगाए तो ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार तरुण यादव कौन है। दरअसल तरुण यादव तेजस्वी का ही नाम है। बचपन में उनका नाम तरुण यादव रखा गया था जिसके कारण उनके उसी नाम का उपयोग जमीन खरीदने के लिए किया गया। लेकिन लालू यादव को कहां पता था कि उनके भ्रष्टाचार का राज जब खुलना शुरू होगा तो ऐसे मामले सामने आएंगे। अब लालू यादव के ऊपर एक और जमीन घोटाले का आरोप लग गया है। उनके जन्मदिन पर एक ओर राजद के लोग पार्टी कर रहे थे तो दूसरी ओर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का नया आरोप लग रहा था। लालू परिवार की 73 संपत्तियों का विवरण देकर भ्रष्टाचार का एक नया राज खोला जा रहा था। ये पहली बार नहीं है जब लालू प्रसाद यादव के परिवार पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। पिछली बार के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कुछ दस्तावेज सामने आए थे जिनमें उनके बड़े और छोटे बेटे दोनों की ही उम्र में झोल था। बड़े बेटे तेज प्रताप की उम्र 25 साल और छोटे बेटे तेजस्वी यादव की उम्र 26 साल बताई गई थी, जिसका भी कोई जवाब यादव परिवार के पास नहीं है। और इस बार फिर लालू यादव की संपत्तियों के विवरण के दौरान तरुण यादव की बात सामने आई है। अब लालू परिवार के ऊपर एक और संकट आने वाला है जिसकी जांच होने के बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के ऊपर भी भ्रष्टाचार का मामला चलेगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव तो जेल में हैं, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को भी जेल भेजने की तैयारी हो रही है। इन दोनों के ऊपर भी अवैध तरीके से जमीन खरीदने का मामला चलने वाला है। ऐसे में चुनाव से पहले ही राजद बिखरता दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।